देखते हैं आप, स्नोफॉल इतना फास्ट हो रहा है ना भाई कि कुछ नजर नहीं आ रहा, और भाई कर रहे हैं रसा तरपाल क्योंकि एक्स्ट्रा। तो सबसे मुश्किल जो फेस करनी पड़ती है भाई वो यहाँ पैसेंजर्स को करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रक वालों को फिर भी हिसाब रहता है, मतलब गाड़ी में अपना बनाना। समीरो, और ये समीर भाई की नई गाड़ी भाई, देख रहे हो ये कहाँ जा रहे हैं भाई, ये 14 चक्के 16 चक्के। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीबू खान। होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे एंड बहुत ही बढ़िया से होंगे। अच्छा, तो जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, पहुंच आया था मैं सोनामर्ग भाई, रास्ता आगे बंद हो चुका है, और ये बंदे को पहचान रहे हो, बर्फ से गाल लाल हो गया इसका। अरे यार इतनी सर्दी है ना, टोपी डोलिया और जूते आज बहुत समय के बाद पहनने पड़े। और इधर मिल गए अपने समीर भाई जो इधर के लेजेंड है भाई, पता नहीं कैसे कैसे चलते हैं ये, और सर्दी से बुरी कंडीशन हो गई है, और देखते हैं कब तक छोड़ते हैं। और वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले जल्दी से कर दे चैनल सब्सक्राइब, पेज को भी कर दे फॉलो, और आपका भी ज्यादा समय ना लेते हुए करते हैं आज का व्लॉग। और ये समीर भाई की नई गाड़ी भाई, देख रहे हो ये कहाँ जा रहे हैं भाई, ये 14 चक्के 16 चक्के। वाह 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 वाह, तो ये अपनी नई गाड़ी ना, माशाल्लाह क्या मॉडल है, 21। वैसे मैं अच्छे से दिखाता बट जो मौसम है ना, फ्रेश स्नोफॉल दिखाते हैं, कांच पे थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। आपकी गाड़ी में गर्मी है कुछ, वो पिघल जाती है लगते ही। रात को जीता। तो काफी टाइम के बाद आज टाटा BS6 है ना ये, हाँ BS6 चेक कर सकते हैं ना। अरे भाई साहब, इसमें भी अनपढ़ बंदा नहीं लगता है ना, इतने सारे मोड है ना, अनपढ़ हम किधर पढ़ बने भाई, क्या करना है? क्या कर रहा है? दबा के फोन। बड़ा भाई है छोटा? छोटा है ना, चलो मारने दे मज़े। तो समीर भाई को एक तरपाल और डालनी पड़ी गाड़ी पे, क्योंकि स्नोफॉल है जो काफी तेज हो रखा है, तो कोई अभी कोई चांस नहीं है गाड़ियां छोड़ने की। देख रहे हो आप, मोटा मोटा पड़ रहा है भाई। ओ समीरा, समीरो, समीरो हाय 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 हाय, ओ पीछे गाड़ी है, गाड़ी है। समीर भाई क्या हालत होगी, अरे इधर देख, यो पर पूछो। तो पूरी गाड़ियां ग्राउंड में देख सकते हैं आप, स्नोफॉल इतना फास्ट हो रहा है ना भाई कि कुछ नजर नहीं आ रहा, और भाई कर रहे हैं रसा तरपाल क्योंकि एक्स्ट्रा तरपाल डाल रहे हैं, और तो भाई की लोडिंग है जो वो सीमेंट है। अरे हाथ ना पूरे ऐसा लग रहा है। इधर नहीं भाई, मैं तो हार चुका हूँ भाई, स्नो देख रहे हो आप, इंजर गाड़ियां जो उनको भी वापस मोड़ दिया क्योंकि आगे टोटली रोड हो चुकी है बंद, और राइडर लोग आज भी आए हैं। देख लो भाई, पूरी पैसेंजर गाड़ियां वापस आ चुकी हैं क्योंकि रोड की हालत पूरी ख़राब होगी, पता नहीं अब कितने दिन लगेंगे। सो बर्फ अभी रुकी तो अभी निकले गाड़ी से बाहर, दिखाता हूँ आपको गाड़ी भी। अरे भाई अब जो स्नोफॉल है थोड़ी रुक गई,
तो अभी मैं चढ़ा भाई गाड़ी के ऊपर, वसीम भाई भी रील्स वगैरह बना रहे हैं और बाकी सब देख सकते हैं आप। सुनो, इतनी बड़ी बाइक के गाड़ियों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जमा हो चुकी है। अब वेट जब कराना होगा तो वेट के टाइम ना एक्स्ट्रा वेट निकल जाएगा। सो हमने सोचा थोड़ी जो स्नो है ये उतार दें गाड़ी से और आपको भी दिखा दें कि कितनी सारी गाड़ियाँ ग्राउंड में। देखो और व्यू देखो, बहुत भाई नीचे पूरा ग्राउंड भरा हुआ है एंड आधी गाड़ियाँ तो वो आगे वाले ग्राउंड में जहाँ पे कुछ भाई तरपाल डाल रहे हैं गाड़ियों पे। और जो जिला अपना इस साइड में तो उधर तो पूरा बंद ही है फिलहाल। तो सोए थे अभी तक, तो अभी उठे, बाहर तो फिर से बरसात लग गई है। गाड़ी पहले मैंने कोल्ड स्टार्ट पे रखी थी तो कम लिख के बगैर एक मिनट नहीं बैठा जाता है, तो जाता हूँ फिर से बाहर मुंह वगैरह धोते हैं। भाई सच मानो तो सुबह से अभी तक मैंने ना मुंह नहीं धोया, इन सब ने धोया बट मैंने नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रही थी। समीर भाई से भी फिर मिलने नहीं गया क्योंकि बरसात और स्नो इतनी पड़ रही थी ना, मतलब जाने का कोई मौका ही नहीं आया। तो बरसात थोड़ी रुकी थी, सोचा आप जाते हैं अपने समीर भाई के पास। तो बाकी इधर भी देख लो गाड़ियां, ये देखो तो सबसे मुश्किल जो फेस करनी पड़ती है भाई वो यहाँ पैसेंजर्स को करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रक वालों को फिर भी हिसाब रहता है, मतलब गाड़ी में अपना बनाना सोना। तो जो होटल वाले ना इधर, तो फिर वो मजबूरी, मतलब मजबूरी का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। मतलब कई सारे बंदे ऐसे होते हैं कि उनके पास टोटल इतने ही पैसे होते हैं कि वो पे करके मतलब करगिल या लद्दाख पहुंच जाए, क्योंकि काम कर के लिए जाना पड़ता है। सो सबसे ज़्यादा मतलब मुश्किल लेबर ही को होती है हर जगह पर। तो आ गया आखिर, पहुंचाया समीर भाई को, फोन की फोन ऑफ थी तो गाड़ी पहचानी। नींद मारी, मजा आ गया, ठंड में मजा है सोने में। फ्रंट पे है भाई खड़ा, देख रहे हो आप सोए नहीं थे? हाँ, वीडियो एडिटिंग करके सो गया था। मैंने कुछ नहीं किया, तो हो चुका है चाय का टाइम। समीर भाई ने चाय बनाई और साथ में बटर। तो भाई आप गैस पे बैठे हो, क्या जल गया आपका? मेरा ये सर जल गया, ये सर जल गया, ये सर का जत है। जत जल गया, वो भी ये सर का। और बाहर मौसम ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है। और ये बंदा एप्पल पे एप्पल चेंज किया जा रहा है, देख रहे हो रोज एक नया फोन, पता नहीं इतने पैसे कहाँ से ला रहा है बंदा। पैसे नहीं, कमाई बहुत है ना? नहीं, हाँ बहुत सारा है यार है, उसको एक फेरे में एक लेता हूँ, दूसरे फेरे में दूसरा। आ गया वापस गाड़ी के पास, तो रख दी गाड़ी अपनी कोल्ड स्टार्ट, क्योंकि माइनस है हर 2-3 घंटे के बाद गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है। तो जाता हूँ अंदर गाड़ी में क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्ट करी हुई है गाड़ी, 48 टेम्परेचर बहुत मुश्किल से हुआ गाड़ी में, तो अभी बैठे ही हैं, सर्दी इतनी है तो अभी ब्लोवर लगाया मैंने, क्योंकि 50 प्लस होके गर्मी रहती है गाड़ी में अच्छी। तो अब आगे का ये सीन है, जोजिला पे दो गाड़ियां नीचे गई, एक कैंपर गई बीकन वालों की एंड एक इनोवा गई। मतलब ऐसे नहीं गई कि किसी की डेथ वगैरह नहीं हुई, शुक्र अल्लाह का सब सेफ है, नॉर्मल इंजरी हुई है, तो उसी कारण स्लाइड है जो अभी नहीं उठाई है, क्योंकि मौसम ने साथ दिया ही नहीं, क्या कर सकते हैं कैसे उठाते। तो अब कह रहे हैं कि कल अगर मौसम ठीक होगा तो कल यहाँ से गाड़ियाँ छोड़ देंगे, तो देखते हैं क्या ही रहता है। मैं तो जब भी आया भाई तो इधर मैं फंस ही जाता हूँ, यही फेस करना पड़ता है। तो सभी परेशान हो, हाल है, सभी परेशान है हाल बैठे इधर ही, क्या ही बोल सकते हैं। तो लद्दाख सीरीज का फर्स्ट व्लॉग है ये, तो उम्मीद करता हूँ आज की ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।